हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। या सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में इतना प्यार दिया। और हालांकि मैं रेगुलर भी नहीं रहा, रेगुलर वीडियो कभी आ गई कभी नहीं आई, लेकिन फिर भी यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया सबका, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। तो यार इस व्लॉग में जो है मैं आपको को ना मुझे एक मैंने वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले उबर ईट्स की, कि उबर ईट्स में कर रहा था, तो मैंने वो आपको दिखाया था ना, तो उसकी वजह से ना मुझे बड़े ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि भाई उबर ईट्स का कैसा अकाउंट बनना है, क्या तरीके कार है उसके, क्या क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट्स कोई पेरिस में रहते हैं उनके मैसेज आए कि क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँ कि उबर ईट्स का अकाउंट कैसे बनता है और उनके इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो कौन अकाउंट बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसके उबर ईट्स के लिए पहले तो होता है हर कोई बना सकता है, जिसके पास टेम्परेरी कार्ड भी हो, स्टूडेंट कार्ड भी हो, पहले वो हर कोई बना सकता था। लेकिन अब इन्होंने फ्रांस ने लॉ चेंज किए हैं, उबर ईट्स ने लॉ चेंज किए हैं, अब उबर ईट्स का अकाउंट सिर्फ वही बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब उबर ईट्स का अकाउंट वही बना रहे हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, मतलब के कार्ड सजोर जिसों हैं 10 साल का कार्ड सजोर है, और दूसरा जिनके पास नेशनलिटी है। सिर्फ उबर ईट्स या डिलीवरो वाला सिर्फ वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई उबर ईट्स अलाउ ही नहीं करता किसी और दूसरे कार्ड पे। पहले होता था, पहले टेम्परेरी कार्ड 4 साल वाले जो होते हैं कार्ड या साल वाले कार्ड उस पर भी बना सकते थे, लेकिन अब जो है सख्ती हुई है या कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई है तो उसकी वजह से अलाउ नहीं है। और ये भी सख्ती हुई है, कोई लोग ऐसे हैं वो किसी दूसरे का अकाउंट लेके उस पर परसेंटेज पे काम करते हैं, उस पर भी अब सख्ती हो गया। वो भी अगर बंदा एक दो दफ़ा पकड़ा जाए तो तस्वीर उबर वाले तस्वीर सेल्फी मांगते हैं, वो भी ना दे तो फिर भी वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अकाउंट कैसे बनता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये अकाउंट कैसे बनता है, और आइए देखते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले उबर अकाउंट बनाने के लिए आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिख लेना है ड्राइव विद उबर, ये लिख के आपने ये नीचे आना है, पहला लिंक खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक जैसे ही खोलेंगे ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा है इसके वो पोख देवनी शफेक, अगर यहाँ पे आप इंग्लिश कर लें बेहतरी के लिए, आप समझ आने के लिए यहाँ पे लिखना है रजिस्टर टू बिकम ड्राइवर। ठीक है, इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर कोई भी दे के तो यहाँ पे आपने वो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं ये साइन अप करता हूँ। तो यार ये ईमेल मैंने दे दी है, ईमेल दे के आपने कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके आपके इस ईमेल पे कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे आपने लिखना है। कोड के बाद यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे के वो आगे नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर पे अब आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, यहाँ आपने कोड लिख देना वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड, यहाँ पे आपने अपने कोई भी पासवर्ड दे लेना है। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद यहाँ से वो अब आपका नेम वगैरह मांग रहे हैं, तो यहाँ पे नेम लिख लेना आपने अपना, नेम लिख के आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर लेना, इसे नेक्स्ट कर देना, कंटिन्यू। ठीक है, ये अब लिखा रहा है अर्न विद उबर, ये आपने जहाँ से भी फ्रांस में अपने जहाँ पे भी अर्न करना है, तो ये मैं पेरिस में रहता हूँ और मैंने पेरिस से लिखा है तो इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब ये ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, ये बिकम आ PHV ड्राइवर विद ये उबर। ठीक है, बिकम ए PHV ड्राइवर, हमारा इससे काम नहीं है, हमारा काम है उबर ईट्स से, उबर ईट्स। ठीक है, यहाँ पे अपने उबर ईट्स सेलेक्ट करके, और यहाँ पे अगर आपके मोटो है, मोटो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, यहाँ पे आप ये मोटो भी कर सकते हैं, अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आपने करना है ड्राइव विद उबर ईट्स बाय बाइसाइकिल, इसे करके कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करके ये आपसे अब चार चीज़ें मांग रहे हैं, 1 2 3 4, चार ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है
पीस दे रन से खो दे वैली से ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड, कार्ड दिस योर या पासपोर्ट, मैंने जैसे आपको पहले बताया कार्ड दिस योर 10 साल वाला चलेगा, और पासपोर्ट जो नेशनलिटी है वो आपकी फ्रांस की होगी, तो फिर ये अकाउंट बनेगा ठीक है। यहाँ पे आपने इसे करके, यहाँ पे आपने अपलोड आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना कार्ड दिस योर फ्रंट से भी बैक से भी, या पासपोर्ट फ्रंट से भी बैक से भी वो अपलोड कर देना है ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो फ़ोटो, यहाँ पे आपने अपना जो है चेहरे की तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है ठीक है। यहाँ पे इस तरह ही करके जैसे इन्होंने मांगी है वो इन्होंने आपने खींच के वो अपलोड कर देनी है ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, जो मेन चीज़ है वो ये है एक्सट्रेट केबीज, एक्सट्रेट केबीज जो है ये आपकी ऑनलाइन, जैसे आप कंपनी होती है ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन काम करने के लिए ये आपकी कम से कम जो है 3 महीने से कम की वैलिडेट होनी चाहिए ठीक है। जो इशू 3 महीने से कम की होनी चाहिए, और ये आपने ऑनलाइन ही बनानी है, ऑनलाइन ही बनती है, और ये आपने किसी भी वेबसाइट से जाके आपने ये ऑनलाइन बना लेनी है। और इस पे जो आपका ऊबर ईट्स अकाउंट चलेगा, आप कोई भी काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे ऊबर ईट्स, ऊबर ड्राइव, ऊबर एक्स, डिलीवरो, कोई भी ऑनलाइन काम है वो आपका केबीज से ही बनेगा। ये एक्स्ट्रा केबीज है आपका, इसी से बनेगा। इसका बनाने के लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आपने लिख लेना है IMPI माइक्रो एंटरप्राइज ठीक है। ये करके आपने ये कॉल लेना, लिंक करिए द इन हाथों द माइक्रो एंटरप्राइज ठीक है। यहाँ पे आके आपने नीचे आना है, नीचे आके लिखा रहा है ऐसे दे देला फॉर्मेली थे, इससे कर देना ठीक है। और ये आपका ये पेज खुल गया, यहाँ से आप फ्रांस कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका CMU बनाओ तो ये देखें मैं बताता हूँ आपको, अम्पो से लॉग इन कर सकते हैं, शोंस मलादी से लॉग इन कर सकते हैं, छः यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इससे INPI से अपना लॉग इन ईमेल वगैरह दे के यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल अकाउंट पहले ही बना हुआ है, इस पर मैं वो अपना लॉग इन कर लेता हूँ। सही है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है पेज आ जाएगा ठीक है। INPI की वेबसाइट खुल जाएगी, इसमें आपने अपनी कंपनी बनाने के लिए आपने आना है डिपोजियम फॉर्मेली थे क्रियासियों देखीस ठीक है। यहाँ पे आके आपने इस लिंक को खोल लेना है, इस लिंक को जैसे ही खोलेंगे आपके पास ये पेज खुल जाएगा ठीक है। इस पेज को खुलने के बाद यहाँ पे अगर आपकी कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं बनना, आपने करना है क्रिए उन्होंने तखीस ठीक है, आपने इसे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने स्टेप सारे फॉलो किए जाने हैं, और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं आपने वो अपलोड किए जाने हैं। अगर आपको इसकी भी आपको अगर वीडियो चाहिए INPI, अगर आपको नहीं पता चलता आपने कमेंट करना है, और मैं इसकी भी एक अलग से जो है वीडियो बना के वो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा। इसके बाद ये फॉर्म फिल करने के बाद तकरीबन जो है 10 से 15 दिन लगते हैं, तो 10 से 15 दिन में आपकी एक्स्ट्रा केबीज आ जाएगी। वो जब केबीज आएगी उसको फिर आपने जाना है यहाँ पे ऊबर पे, ऊबर पे यहाँ पे जाके इस तरह की केबीज आएगी ये ठीक है। उसके ऊपर आपका साइरन और सीरियल नंबर वगैरह कंपनी का होता है वो लिखा होना चाहिए, जैसे ये लिखा साइरन, ये नंबर वगैरह लिखा होना चाहिए, तो ये लिख के आपने अपलोड कर देना। जब अपलोड करेगा 1-2 दिन वेरिफिकेशन में लगेंगे ठीक है, वेरिफिकेशन होगी फिर यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, जब ये आप केबीज अपलोड करें उसके बाद एक डिलीवरी शक का वो बताएगा कि वो आपने लेना है, वो आपने उसकी तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद वो अकाउंट बन जाएगा, फिर आप ऊबर ईट्स के साथ डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में, या मेरे इंस्टाग्राम भी यहाँ शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये केबिस का नहीं पता चलता केबिस कैसे बनानी है यहाँ पे, तो कोशिश ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं पता लगता तो मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो जो है बना के वो मैं अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है यार आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और जो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके मेरे से जो पूछा था ठीक है, वो मैं आपको सब कुछ बता सकाऊँगा। अगर किसी भी चीज़ के आपको नहीं समझ आई आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और मैं आपके लिए हाजिर हूँ भाई जी। अभी थोड़े वास्ते ही हैं, असं वेल हैं भाई थोड़े वास्ते। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।